हैंडलिंग। देखो इस चैप्टर में क्या होता है, आपकी क्या होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, आपको आपको डायग्राम से बतानी होती है, ठीक है ना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है या आपको अगर डायग्राम दिया होता है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम बताते हैं, ठीक है ना। आप देखो जो फर्स्ट आता है आपका पाई चार्ट, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ जो एक सर्कल होता है आपका, जो एंगल होता है ये वाला एंगल कितना होता है, जो ये एंगल बनता है आपका, ओए तो देखो देखो जैसे कि आपके इस तरीके से एंगल बनते हैं, ठीक है ना, और आपका ये एक एंगल है, तो ये ओवरऑल एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। दैट मीन हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं, जो ओवरऑल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 का होता है। ये एक सर्कल है तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 360 एंगल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या दिए हुए होंगे आपको, इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी किसमें, इसको क्या बोलते हैं, जो सर्कल में इन्फॉर्मेशन सेक्टर बना के इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपको इस तरीके से क्या होंगे, कुछ सेक्टर्स होंगे, ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एंगल्स होंगे। तो इस जो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी, इस तरीके से अलग अलग बना के आपको क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या होता है आपका पाई चार्ट होता है, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है एग्जाम्पल, फर्स्ट पेज नंबर 252 पर आपको क्या दिया है, एक ग्रुप दिया है किसना, 180 वुमेन्स का, ठीक है ना। आज अब देखो उसने क्या कहा है, विशेष कहा है 45 वुमेन क्या करती है, वोट करती है टूर के लिए ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। एंड सेकंड में क्या कहते हैं, 50 वुमेन वोट करती है किसके लिए, सालसा डांस के लिए। कुछ आपको क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, एक चापाई चार्ट बना, ठीक है ना। टोटल जो वुमेन है, जो देखो टोटल वुमेन है वो कितनी है, 180 है, ठीक है ना। उसमें जो 45 वुमेन्स है वो क्या कहती है, उनकी विषय की वो क्या करे, टूर करे किसका, ऑल इंडिया का। एंड 50 क्या कहती है कि सालसा डांस करें, 60 किसकी है, ग्रूमिंग एंड आर्ट ऑफ द लिविंग, एंड 25 की क्या है, क्लासिक म्यूजिक की है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है आपको क्या देगा, जैसे कि ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई ना क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, एक चार्ट बनाना होता है, देन हम क्या करते हैं वहाँ से एंगल्स निकाल के जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट, नहीं चार्ट बनाएंगे। देखो बात थी, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वुमेन, इधर हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन, एंड इधर क्या निकालेंगे हम, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल पता है किसी को कि क्या होता है, अभी भी सर्कल बताया था ना, इसमें 360 एंगल होते हैं और इसमें सेक्टर्स बताए थे, ओए क्या बताए थे कि आपका क्या होगा, इस तरीके से सेक्टर्स में डिवाइड होगा आपका ये सर्कल। तो जो ये सेक्टर्स में डिवाइड है और जो इनके बीच में जो ये एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट वुमेन है भाई, अब देखो जो विशेज है वो कौन कौन सी विशेज है, एक तो क्या करना है, टूर करना है किसका, इंडिया का, टूर ऑल ओवर इंडिया आपको पूरा लिखना है। एंड सेकंड क्या कहता है, सालसा डांस। एंड थर्ड क्या कह रहा है, एंड फोर्थ आता है क्लासिकल म्यूजिक। आप देखो जो नंबर ऑफ वुमेन है, 45 वुमेन वोट करती है किसको, वोट करती है टूर इंडिया को, अब 50 क्या करती है, आपकी ग्रूमिंग को, एंड 25 क्या करती है, क्लासिक म्यूजिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शंस निकालेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शंस के बाद हम क्या करते हैं, पाई चार्ट निकालते हैं। देखो अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका हमें निकालना होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, न्यूमिनेटर में, एंड जो ओवरऑल होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, डिनोमिनेटर में। अब देखना जरा यहाँ पे कितना है, 45, ओवरऑल कितनी है आपकी, 180, तो
45 अपॉन 180, ठीक है ना। यहाँ से आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी, सेकंड में कितना है 50 अपॉन 180 अपॉन 180 एंड लास्ट में कितना है 25 अपॉन 180, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, या अगर आप सॉल्व भी नहीं करना चाहते हो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, इसने बुक में यहीं से सॉल्व करके दिया होगा। फिर क्या कह रहा है वो, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन हमें निकालनी। फिर कॉलम किस चीज का है आपका, सेंट्रल एंगल का। अब सेंट्रल एंगल ओवरऑल एंगल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को 45 मल्टीप्लाई 180 इंटू 360 पता है ना क्यों किया है, क्यों किया है 360, क्योंकि जो ओवरऑल एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 360 होता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 डिवाइड 180 अपॉन वो मल्टीप्लीकेशन 360। फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लीकेशन किया है हमने, 360 से, ठीक है ना। एंड जितना यहाँ से आपके एंगल्स निकल के आएंगे, ठीक है ना, जो ये यहाँ से एंगल निकल के आएंगे वही हम कहाँ से कहाँ बनाएंगे, पाई चार्ट में बनाएंगे। देखो फर्स्ट आपका कितना आता है 90, सेकेंड कितना आता है 30, कितना आया एंड फोर्थ कितना आया 15। अब एक बात देखो, आपको कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है, ठीक है ना। इन सारे एंगल को अगर आप सम करोगे किसके इक्वल आएंगे, 360 के आएंगे। और ये क्या है आपकी एंगल, तो ऊपर क्या शो करोगे आप, डिग्री, ठीक है ना। ये बताओ ये चार्ट समझ आया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बताना है इसको। देखो दोबारा बताते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि वुमेन्स को वोट किया गया है, वुमेन्स से वोट ली गई है, क्या ली गई है, वो कहते हैं चार ऑप्शन हैं। एक तो किस चीज का है, टूर ऑफ मतलब ऑल इंडिया का टूर करने का, सेकंड डांस का, थर्ड किस चीज का है, ग्रूमिंग ऑफ ग्रूमिंग एंड आर्ट ऑफ द लिविंग, एंड थर्ड किस का है, क्लासिकल म्यूजिक का। ये चार क्या दिए इनको, उनको चार चीज दी गई है और हमें क्या करना है, वोट करना है। तो जो फर्स्ट के लिए वोट करती है, जो वुमेन्स वोट करती है वो कितनी वुमेन्स वोट करती है, 45। सेकेंड के लिए कितनी करती है, 50। एंड ग्रूमिंग ऑफ ग्रूमिंग एंड लिविंग, आर्ट ऑफ द लिविंग के लिए कितनी करती है, 60। एंड क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी वुमेन्स वोट करती है, 25, ठीक है ना। अगर वो ओवरऑल, इसने तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितनी वुमेन्स है 180, अगर वो ओवरऑल नहीं देता है तो आपको यहाँ से क्या करना है, उनका सम करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने से पहले हमें क्या चाहिएगा, फ्रैक्शन चाहिएगा। फ्रैक्शन किस चीज का चाहिएगा, जो वुमेन्स जिन्होंने वोट किया है अपॉन किसका फ्रैक्शन, किसके साथ, जितनी ओवरऑल वुमेन्स है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन जब भी निकालते हो आप, जिस चीज को आपकी फ्रैक्शन निकालनी है उसको कहाँ रखते हैं, न्यूमिनेटर में, एंड ओवरऑल कहाँ पे रखते हैं, दैट मीन्स जो टोटल कहाँ पे रखते हैं, डिनोमिनेटर। हमने क्या किया, फ्रैक्शन निकाली 45 180, क्यों क्या, क्योंकि ओवरऑल जो वुमेन्स है वो 180 है। देन हमने क्या निकालना है, हमें अपना सेंट्रल एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 360 से। क्यों करेंगे 360 से, क्योंकि जो हमारा सर्कल में जो ओवरऑल एंगल होता है वो कितना होता है, 360। देन इसको सॉल्व करके ये क्या जाते हैं, हमारे सेंट्रल एंगल्स आ जाते हैं। इतना समझ आया। अब हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। अभी देखो फर्स्ट क्या है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आपका ऐसे होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है वो, 100 डिग्री। अब देखो 90 तो ये हो गया, दैट मींस इससे बिल्कुल थोड़ा सा क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। आप क्या निकाल दोगे, ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री। अब सेकंड, अब थर्ड कितना कहता है, 120, दैट मींस इतना तो आपका कितना होगा 90, एंड ये आपका कितना हो गया 120, एंड जो लास्ट बचा वो कितना हो गया आपका 50। तो ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री, एंड ये कितना हो गया 50 डिग्री। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम लिखोगे, किस चीज का लिखोगे, 90 डिग्री किसका था, अच्छा कहाँ था, 90 डिग्री यहाँ पे लिखोगे, और इंडिया यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्या हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन हम सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करेंगे, और इस तरीके से। अब देखो जब आप बनाओगे, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि 90 डिग्री है ना कोई बना रहा है,
तो ये मत कर देना 90 डिग्री। पेपर पे मैं कट कर दूंगी, ध्यान रखना इस बात का। 90 डिग्री ऐसे होता है। ठीक है ना, आप सबसे पहले ना ये फाइंड आउट करना कि 90 डिग्री, क्योंकि सबको पता है 90 कहाँ पे होता है, इस तरीके से एंगल। ठीक है ना, जो राइट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आपका क्या है, ओए आपका कहाँ है 90 डिग्री। ठीक है ना, और अगर 90 डिग्री नहीं है दैट मीन्स जैसे कि 100 हो गया या कितना हो गया 120, तो आप देखना अपने सर्कल में कैसे बनाओगे, देखो भाई इतना कितना होता है हमारा 90 डिग्री हो गया, देन इतना कितना होगा 100 डिग्री, तो यहाँ से क्या करके हमने 100। ठीक है ना, इस तरीके से अजम्पशंस करके देन सॉल्व करोगे। ये बताओ इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सबको। इसका सेकंड एग्जांपल आप लोगों को निकाल के देखना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्या दिया है, अब आपको पाई चार्ट दिया हुआ है और क्या दिए नीचे, कुछ क्या दिए स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको क्या करनी है इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर से खड़ा हो जाए, इधर उधर। हाँ जी, क्या किसको समझाना है आपको, खड़े हो, ओए थप्पड़ लगेगा ताल पे, क्या चीज समझ नहीं आई, कैसे बनाना है। देखो फर्स्ट कितना है 90 डिग्री, हम अपना 90 डिग्री दे, ओए हम अपना 90 डिग्री देखते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री हमारा राइट एंगल होता है, हमने 90 बनाया। सेकंड कितना है 100, आप देखना जरा ये इतना तो कितना आएगा 90 डिग्री, हमने इसे थोड़ा सा आगे निकाल के कितना कर लिया 100 डिग्री, एंड हमारा थर्ड क्या है 120, अब इतना कितना होता है 90, एंड इससे ज्यादा हमने निकाल लिया कितना 120, एंड जो लास्ट बचा वो कितना गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कहता है, स्टूडेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्कूल पार्टिसिपेट इन द वेरियस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, नेमली रंगोली, क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज़ में, रंगोली में, डिक्लेरेशन में, स्ट्रीट प्ले में, और किस में, फैंसी ड्रेस में, और पपिट शो में। पपिट शो क्या होता है पता है किसको, कठपुतली वाला जो शो होता है। ठीक है ना, आपको क्या दी है डायग्राम दिया है पाई चार्ट, आपको क्या निकालना है ये क्वेश्चन निकालने। फर्स्ट क्या कहता है, इफ 75 persons पार्टिसिपेट इन अ डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट। अब देखो इसने क्या कहा है, आपके कितने ओवरऑल कितने चीज है आपकी, 5 चीज है। ठीक है ना, 5 क्या है आपके जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से आपने इसमें क्या कहा है, अगर 75 कितने स्टूडेंट्स हैं, जो 75 स्टूडेंट्स हैं वो डिक्लेमेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है, और आपको किसने दिया परसेंटेज में दिए। ठीक है, अब परसेंटेज से ओवरऑल निकालना किस किसको आता है, देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना, अब देखना जरा जो डिक्लेमेशन का है वो कितना है 15%। ठीक है ना, अब देखना जरा 15% किसके ऊपर है, उसने क्या कहा है 75 है। ठीक है, तो 1% ये कितना है 15%, तो 1% किसके ऊपर आता है आपका 75/15। ठीक है ना, ये किसका आता है 1% का, और आपको क्या निकालना है टोटल स्टूडेंट्स किसके ऊपर आएगा 75/15 × 100, एंड 75 से कितने होते हैं 75, तो कितना आ जाएगा 500, तो टोटल स्टूडेंट कितने आए ओवरऑल जो आपका देखो जो पाई चार्ट बना हुआ है वो उसने परसेंटेज में वैल्यू दी है। ठीक है ना, उसके फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि अगर जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 75 है, दैट मीन्स वो 15% की वैल्यू किसके इक्वल है 75% 75 के इक्वल है। ठीक है ना, 15% किसके इक्वल है 75 के। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 1% की 75/15। ठीक है ना, अब ये कितना है केवल 1% की, और हमें क्या बताना है टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू हम क्या करते हैं 75/15 × 100। परसेंटेज पढ़ा होगा आपने क्लास 7 में। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, जब हमने इसको सॉल्व करें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए 500। उतारना है, कर लो नोट।
यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 15% इज इक्वल टू 75, ठीक है ना, एंड 75, ओए बागी, देखो इधर यहाँ पे क्या लिखोगे, 15% क्या है, 15% क्या लिखोगे इज इक्वल टू किसके, 75 स्टूडेंट के, क्या लिखोगे, क्या इशारा किया ना आप, बोली नहीं है जो बताया है. ओए बात नहीं, तो रफ में उतार ले, तो रफ में उतार लेना पहले देखता. ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तुम उतार तो नहीं रहे हो, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो उसको उतार लो. देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है और किसका निकालना है, रंगोली का, ठीक है ना. सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 360 सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालते हैं. फ्रैक्शन की तो मल्टीप्लिकेशन 360 में करते हो. अब एक बात देखो जरा, उसने क्या कहा है, देखो सेंट्रल एंगल निकालने से पहले रंगोली में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, 30% ने. टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500, आपकी फ्रैक्शन क्या है यहाँ से कितना आएगा, 30/500 और सेंट्रल एंगल क्या करेंगे हम, थर्टी बाय 500 अपॉन 360, ठीक है, निकालो. देखो इसने क्या दिया है, जो पार्टिसिपेट ऑफ रंगोली आप देखो इधर कितना है, 30% है, ठीक है ना. उसके बाद में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 500, एंड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 30/500, ठीक है ना. जिस जो हमें निकालना है वो क्या रखते हैं, न्यूमिनेटर में टोटल का रखते हैं, डिनोमिनेटर में. अब उसने क्या कहा है, सेंट्रल एंगल पूछा है हमारे से, सेंट्रल एंगल क्या होता है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किस में करनी होती है, 360 में.
सॉल्व करोगे कितना आएगा? 100 बिल्कुल। इसका थर्ड पार्ट देखो क्या कहते हैं, जल्दी नोट करो। हो गया सबका? पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी द लिस्ट पार्टिसिपेट। आप देखो सबसे लिस्ट किसने किया है, फैंसी ड्रेस ने, और उसने क्या पूछा है, उसने परसेंटेज में नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है, नंबर पूछे स्टूडेंट्स के, वो कितना है 10%, ठीक है ना। अब देखना जरा 50, बिल्कुल सही। कैसे निकालोगे परसेंटेज, अब देखना, देखो सर 10% स्टूडेंट लिखोगे, स्टूडेंट पार्टिसिपेट किस में, फैंसी ड्रेस में, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट अपॉन 500, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है इसका, हमें ये कितना आएगा 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट किसमें, जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखोगे, 10% स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, एंड नेक्स्ट में क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो उसने पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी विद लिस्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है किसी को? हो गया? करो, मैंने सॉल्व किया तो इतना ही आएगा। हो गया क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन कौन कर देगा? देखो फर्स्ट इसका पार्ट, सेकंड में क्या कहता है, द गिवन पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ सर्वे कैरी आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ द ट्रैवल यूज्ड बाय द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, इसने क्या दिया है, पाई चार्ट दिया है एंड मोड्स दिए हुए कि जो बच्चे ट्रैवल करके कहाँ आते हैं, स्कूल में आते हैं, किससे आते हैं, कार से, साइकिल से, टैक्सी से, बस से एंड वॉक से, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, बस। आप देखोगे क्या देखोगे कि सबसे ज्यादा एंगल किस चीज का बन रहा है, बस का, तो क्या लिखोगे, बस। सेकंड में क्या कहते हैं, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस ट्रैवल बाय कार, अब ये पूछ रहा है कि फ्रैक्शन बतानी है आपको किसकी, कि ट्रैवल किससे यूज करते हैं, वो जो कार के लिए यूज कर रहे हैं, जो बच्चे कार यूज कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे निकालोगे, देखो सेकंड फर्स्ट में तो आपको सिंपल क्या लिखना है, कार, देखना जरा कितना है कार का 90 डिग्री, और ओवरऑल कितना होता है, और इसमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बतानी है ना, 90 डिग्री अपॉन, तो कितना जाएगा, ये कैंसिल है, 9 4 1 4 ही आया, ठीक है, समझ आया कैसे किया। देखो उसने क्या कहा है, आपको यूज करना है, ये केवल उतारने पे ध्यान मत दो, समझ भी लो,
वो ये पूछ रहा है कि जो कार से स्टूडेंट आते हैं वो कितने हैं और आपको क्या बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। अब हमारा जो अब आपका जो पाई चार्ट बना हुआ है एंड यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कार, ठीक है ना। अब ये कितना है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है और ओवरऑल कितना होता है 360। तो आपको क्या करना था, 90 को किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। तो कितना आता है 1/4। अच्छा एक बात देखना जरा, जो ये 4 है ऊपर क्या होता है जो हम निकालते हैं, नीचे क्या होता है टोटल होता है ना। हो गया सबका, देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल्ड बाय कार हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। अगर जो 18 स्टूडेंट हैं वो किससे आते हैं, कार से आते हैं, तो ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट किससे आए, तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं। तो कैसे निकालोगे आप देखना जरा, ओवरऑल कितने बनते हैं यहाँ पे 4 और उससे क्या कहा है कि 18 तो किस में आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। तो क्या करोगे, बिल्कुल सर 18 मल्टीप्लिकेशन 4। ओए इधर देखो, कितने स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट क्या है जो कार से जा रहे हैं, टोटल कितने हैं 4। 18 4 का कितने होते हैं, देखो इसने कितना कहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। जो यूज करते हैं वो कितना करते हैं 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 30 डिग्री अपॉन 360, इधर से कितना है आपका 1/12। एंड ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है ना, 1/12। एंड ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन यूज सेम ये वाली लाइन, ठीक है ना। एंड कितना आएगा 1/12, किसका 1/12, 17 का, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 1/12 हमने मल्टीप्लीकेशन क्यों किया,
देखो वन अपॉन ट्वेल्व कौन सा पोर्शन आया है, जो बच्चे किससे जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, ठीक है ना। और वन अपॉन ट्वेल्व किसका आया है, ओवरऑल स्टूडेंट कितने थे, 72, ठीक है ना। जब आप इसको करोगे कितना आएगा डिवाइड करके, 12 6 तो कितने से रन करते हैं, देखो इसका लास्ट पार्ट बचता है, वो भी देखो इधर। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, बाय विच टू मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ट्रैवलिंग। आपको टू मोड्स बता, ओए टू मोड्स बताने हैं, वो मोड्स बताने हैं जो क्या करते हैं, सेम सेम यूज करते हैं किसको, ट्रांसपोर्ट को। तो कौन कौन है, साइकिल एंड वॉक, यही लिखना है आपको।